गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. गुड मॉर्निंग मैम. मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. सब लोग अपनी साइंस बुक निकाल लीजिए. यस मैम. साइंस बुक चैप्टर थर्ड. मैम बोलिए राधिका. मैम कल एक सर आए थे, मैम साइंस पढ़ा रहे थे. सर वो पढ़ाएंगे कि आप ही पढ़ाएंगी? इतना मैं ही पढ़ाऊंगी आप लोगों को साइंस. यस मैम. ओके. यस मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. चलिए सब लोग अपनी साइंस बुक निकालिए, उसमें चैप्टर थर्ड खोलिए. तो आज हम लोग सबसे पहले इसके सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के की पॉइंट्स को समझते हैं. ठीक है. यू वेयर क्लोथ्स दैट आर मेड ऑफ फैब्रिक. तो हम उन क्लोथ्स को वेयर करते हैं जो किससे बने होते हैं? फैब्रिक से बने होते हैं. फैब्रिक कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक. तो फैब्रिक हमारा कितने टाइप्स का हो सकता है? टू टाइप्स का हो सकता है. एक हो सकता है आपका नेचुरल और दूसरा हो सकता है आपका सिंथेटिक. सिंथेटिक फाइबर्स आर कॉल्ड मैनमेड फाइबर्स. तो सिंथेटिक फाइबर को हम और किस नाम से जानते हैं? मैनमेड फाइबर के भी नाम से जानते हैं. बिकॉज दे आर मेड बाय मेन यूजिंग केमिकल्स इन फैक्ट्री. क्यों? क्योंकि ये मेंस बनाते हैं. जो सिंथेटिक फाइबर होता है इसको ह्यूमंस बनाते हैं. और किससे बनाते हैं? केमिकल्स के थ्रू बनाते हैं फैक्ट्रीज में. दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस. और ये किससे बनाया जाता है? ये किससे बनाया जाता है? ये आपका बनाया जाता है पेट्रोकेमिकल से, जिसमें क्या होता है? नंबर ऑफ केमिकल्स मींस नंबर ऑफ प्रोसेसेस अप्लाइड होते हैं. तब जाके क्या बनता है? हमारा ये बनता है, सिंथेटिक फाइबर बनना स्टार्ट होता है. A synthetic fiber consists of a chain of small units called it monomers. और synthetic fiber में क्या होता है? Small chains बने होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? Monomers बोलते हैं. Each chain of smaller unit called it glucose. और हर एक चेन की जो स्मॉलर यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ग्लूकोज बोलते हैं. रेयन इज कॉल्ड इट आर्टिफिशियल सिल्क बिकॉज इट इज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. रेयन को हम क्या बोलते हैं? रेयन को हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये किससे बना होता है? ये भी केमिकल प्रोसेस से बना होता है, पर ये किसके थ्रू बना होता है? वुड पल्प के थ्रू बना होता है. इट इज चीपर देन सिल्क दैट कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर्स. ये क्या होता है? ये हमारा चीप होता है, मतलब कि सिल्क से चीप होता है. और इसको हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग जो डिफरेंट कलर्स हैं उनमें डाई कर सकते हैं. It is mixed with cotton to make bed sheets and is mixed with wool to make carpet. और इसको हम क्या करते हैं? इसको हम मिक्स करते हैं कॉटन के साथ में, ताकि हम क्या बना सके? बेडशीट बना सके. और क्या करते हैं? वूल के साथ में मिक्स करते हैं ताकि हम क्या बना सके? जो कार्पेट है वो बना सके. नायलॉन वॉज द फर्स्ट मैनमेड फाइबर टू बी मेड. इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल.
जो नायलॉन है ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट मैग्नेट फाइबर है जिसमें क्या यूज किया गया है, जिसमें वुड पर जो भी प्लांट्स प्रोडक्ट्स हैं उनको बिल्कुल भी यूज नहीं करा गया है। इट वॉज प्रिपेयर फ्रॉम कोल वॉटर एंड एयर, और इसको किसके थ्रू प्रिपेयर करा गया है, कोल वॉटर और एयर के थ्रू प्रिपेयर करा गया है। इट इज स्ट्रॉन्ग इलास्टिक, लाइट, लश्रस एंड इजी टू वॉश, और ये कैसा है आपका, स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, लश्रस है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली वॉश कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू मेक सेवरल आर्टिकल्स यू यूज इन डेली लाइफ लाइक कॉम्स, बकेट्स, टूथब्रश, बैग्स, कर्टन्स। तो डेली लाइफ में से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हम क्या करते हैं, नायलॉन्स का यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू मेक रोप एंड पैराशूट बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्गर देन स्टील एंड थ्रेड, और रोप्स में पैराशूट्स में भी हम किसका यूज करते हैं, नायलॉन का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ये किससे स्ट्रांग होता है, स्टील से स्ट्रांग होता है और साथ साथ थ्रेड से भी ये स्ट्रांग होता है। Polyester is another synthetic fiber that is made of repeating units of ester, which gives a fruity smell. Polyester क्या है? ये भी हमारा एक another type है synthetic fiber का, जो ester के repeating units से बना होता है। और इसकी जो smell होती है, वो कैसी smell होती है? Fruity smell होती है, means fruits की जैसी smell होती है। इट डज नॉट रिंकल इजली, और इसमें जितने भी रिंकल्स आते हैं, मतलब जो सिकुड़न आती है, हमारे क्लोथ्स कभी कभी सिकुड़ जाते हैं ना, तो वो इसमें जल्दी नहीं आते हैं। इट इज इजी टू वॉश एंड इज थस पॉपुलर फॉर मेकिंग शर्ट्स, ड्रेसेस एक्सेट्रा, और ये क्या है, इसको हम इजली वॉश भी कर सकते हैं, तो इसीलिए ये क्या है, हमारी शर्ट, ड्रेसेस और ऐसे कई सारे मटेरियल्स हैं जिनमें हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। टेरुलिन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर पॉलिएस्टर है वो है टेरुलिन। पेट इज अ फॉर्मर ऑफ पॉलिएस्टर दैट इज यूज्ड टू मेक बॉटल्स, फिल्म्स, वायर्स, और पेट क्या है, ये हमारा टाइप ऑफ पॉलिएस्टर है जिसको हम किसमें यूज करते हैं, बॉटल्स में, फिल्म्स में, वायर्स में मोस्टली यूज करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, पॉलीकॉट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन। पॉलीकॉट क्या है, ये मिक्सचर है किसका, कॉटन का और पॉलिएस्टर का। पॉलीवुल इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड वूल, अब उसी तरह जो पॉलीवुल है ये किसका मिक्सचर है, पॉलिएस्टर एंड वूल का मिक्सचर है। Many of the sweaters that you wear are not pure wool, they are acrylic. Mostly जो हम sweaters wear करते हैं वो pure wool नहीं होते हैं, वो mostly क्या होते हैं, acrylic होते हैं। Acrylic has a wool-like look and often replaces wool as it is cheaper. जो आक्रिलिक है ये वूल की तरह ही काम करता है, और ये क्या होता है, वूल से चीप होता है, इसलिए क्या कर रहा है, ये वूल को अलग कर रहा है। इसी वजह से क्या हो रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा किसको यूज कर रहे हैं, आक्रिलिक को यूज कर रहे हैं जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है। अगर आप प्योर वूल लेंगे तो प्योर वूल क्या होगा, वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, जिसको हम लोग अफोर्ड इजीली अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए किसका यूज किया जाता है, आक्रिलिक का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से जो आपके स्वेटर्स हैं, जो भी वुलन क्लोथ्स हैं, वो स्लाइटली चीप हो जाते हैं।
You have learned that synthetic fiber melt on heating and catch fire easily. तो ये हमने पढ़ा है कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो क्या करते हैं, वो हीट होने पे फायर को इजिली कैच कर लेते हैं. एंड दे आर नॉट एडवाइज टू बी वॉर्न इन द किचन. इसलिए हम लोग को एडवाइस किया जाता है कि हम लोग कभी भी जो सिंथेटिक फाइबर्स है उनको किचन में पहन के ना जाए. लेबोरेटरीज एंड वाइल्ड बर्निंग क्रैकर्स. कभी भी किचन में, लेबोरेटरीज में या फिर जब भी हम क्रैकर्स को बर्न कर रहे हो तब हम क्या करें, कभी भी सिंथेटिक फाइबर को पहन के फायर के क्लोज ना जाए. सिंथेटिक फाइबर आर पॉपुलर एज दे ड्राई क्विकली, आर लेस एक्सपेंसिव, ड्यूरेबल, इजी टू मेंटेन. That is why they used extensively. जो synthetic fiber क्यों popular हुआ, क्योंकि हम क्या, ये क्या हो सकता है, ये quickly जल्दी से dry हो सकता है, then ये less expensive है, उसके बाद में durable है, easy to maintain है, और इतनी सब popular, इन्हीं सब इसके advantages की वजह से क्या होता है, ये हमारा ज्यादा से ज्यादा यूज होता है. अब नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट, क्यों मे यूज प्लास्टिक आर्टिकल्स एवरी डे दैट आर डिफरेंट शेप एंड साइज. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में कई टाइप्स के प्लास्टिक आर्टिकल्स को यूज करते हैं जो क्या होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं और साथ साथ डिफरेंट साइजेस के भी होते हैं. दे आर ऑल्सो पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर. जैसे सिंथेटिक फाइबर है ये भी क्या है, ये भी उसके पॉलीमर्स है. सम प्लास्टिक बेंड इजिली व्हाइल सम ब्रेक ऑन बीइंग बेंट. कुछ प्लास्टिक्स कैसे होते हैं, इजिली बेंट हो जाते हैं और बेंट होने पे क्या होते हैं, टूट जाते हैं. सम प्लास्टिक गेट डिफॉर्म्ड व्हेन हॉट वाटर इज पोर्ड इन देम. कुछ प्लास्टिक्स ऐसी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, हॉट वाटर को करते हैं तो वो क्या होती है, वो डिफॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है. प्लास्टिक लाइक पीवीसी एंड पॉलिथिन दैट गेट डिफॉर्म्ड एंड गेट बेंट इजिली ऑन हीट आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक्स. वो प्लास्टिक्स जैसे कि आपकी पीवीसी हो गई, पॉलिथिन हो गई, ये क्या होती है, ये हीट करने पे इजिली डिफॉर्म हो जाती है. तो इस टाइप के प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं, थर्मो प्लास्टिक बोलते हैं. अब नेक्स्ट है आपका, देयर आर सम प्लास्टिक्स लाइक बैकेलाइट एंड मेलामाइन दैट डू नॉट ऑब्टेन ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट बी मोल्डेड. अब कुछ ऐसे प्लास्टिक्स हैं जैसे कि बैकेलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया, इसको हम कितना भी हीट कर लें ये कभी क्या नहीं होगा, मोल्ड नहीं होगा, मतलब कि बेंट नहीं होगा. इसीलिए हम इस टाइप के प्लास्टिक्स को किस नाम से जानते हैं, थर्मोसेटिक प्लास्टिक. थर्मोसेटिक प्लास्टिक के नाम से जानते हैं. मेलामाइन कैन रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक. मेलामाइन क्या है, फायर को रेजिस्ट कर सकता है और उसके साथ साथ क्या कर सकता है, ये जो प्लास्टिक की हीट है उसको काफी ज्यादा टॉलरेट कर सकता है. Hands are used to make kitchenware, floor tiles, fabrics that resist fire. इसीलिए इसको कहाँ पे ज्यादातर यूज किया जाता है, floor tiles में जो आपके kitchenwares होते हैं उसमें, और उसके साथ साथ जो भी fire resisting आपके fabrics होते हैं उन सब में ज्यादातर मेलामाइन का यूज किया जाता है. मेलामाइन is coated on the uniform of fireman to make them fire resistant. इसीलिए जो फायरमैन की जो यूनिफॉर्म्स होती हैं उनमें मेलामाइन का एक कोट लगाया जाता है जिससे क्या होता है, वो लोग इजिली फायर को कैच नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट है,
बेकलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब बेकलाइट क्या है? बेकलाइट पुअर कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का. एंड इज थस यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स एक्सेट्रा. इसीलिए हम इसको कहाँ पे यूज करते हैं? जो हमारे यूटेंसिल्स के हैंडल्स होते हैं उसमें, देन जो स्विचेस होती है उसमें, और ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम क्या करते हैं, बेकलाइट का यूज करते हैं. प्लास्टिक इज अ मटेरियल ऑफ चॉइस बाय मेनी पीपल बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद एयर और मॉइस्चर. A light, a strong, durable and poor conductor of heat and electricity. अब जो हम mostly people हैं, बोले friends. Yes ma'am. अनुराग आप नहीं, friends आपको कुछ पूछना है? चलिए. जो प्लास्टिक है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, मतलब कि पसंद करते हैं. क्यों? क्योंकि क्या है, ये हमारा नॉन रिएक्टिव है, कभी भी एयर के साथ में ये रिएक्ट नहीं करता, मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट नहीं करता है, और ये लाइट है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है. Plastics are used extensively in heat care industry for packaging, tablets, threads of stitching wounds and to make syringes. इसीलिए जितने भी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं उसमें मोस्टली किसका यूज किया जाता है? प्लास्टिक्स का यूज किया जाता है. जो आपके जो भी टैबलेट्स पैक होते हैं, तो आपने देखा होगा जो भी हमारे टैबलेट्स पैक होके आते हैं वो सब प्लास्टिक के कवर में पैक होके आते हैं, राइट? यस मैम. जो भी डॉक्टर्स हेड का यूज करते हैं हमारे वाउंड को स्टिच करने के लिए, वो भी किससे बनी होती है? वो भी प्लास्टिक से बनी होती है. तो सिरिंजेस होती है वो प्लास्टिक से बनी होती है. तो इसीलिए जो मोस्टली हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं वो मोस्टली किससे बने होते हैं? वो मोस्टली प्लास्टिक से ही बने होते हैं. क्यों? क्योंकि प्लास्टिक कभी भी एयर के साथ में, मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट नहीं करती है. कुकवेयर यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन आर मेड ऑफ प्लास्टिक. इसीलिए जो भी माइक्रोवेव और ओवन्स में जो हम कुकवेयर्स यूज करते हैं वो भी मोस्टली किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं. टेफ्लॉन स्पेशल प्लास्टिक इज यूज्ड टू मेक नॉनस्टिक कुकवेयर एज ऑयल एंड वाटर डज नॉट स्टिक टू इट. अब जो आपके नॉनस्टिक पैन्स होते हैं, आपके जो नॉनस्टिक वेयर्स है, कुकवेयर्स है, उनमें मोस्टली किसका यूज किया जाता है? उनमें मोस्टली टेफ्लॉन का यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है, उनमें ऑयल और वाटर कभी भी स्टिक नहीं हो पाता है. You have learned that biodegradable material like fruit, vegetables, peel, paper, clothes, etc. can be composed by bacteria easily. तो आपने ये देखा होगा जितने भी biodegradable products हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि fruit, vegetable, peels, paper, clothes, इनको bacteria easily decompose कर देते हैं हमारे environment में. Hands do not cause pollution. इसी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से pollution cause नहीं होता. On the other hand, अगर हम दूसरी तरफ देखें, non-biodegradable materials like plastic, metal, glass do not decompose easily by bacteria, hence cause pollution. जो non-biodegradable products हैं, जैसे कि हो गया आपका plastic, metal, glass, वो क्या करते हैं, इनको बैक्टीरिया इजली डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं.
इसीलिए क्या करते हैं, ये मोस्टली पॉल्यूशन को कॉज करते हैं. अब एग्जांपल ले, अगर आप प्लास्टिक बैग्स को देखें तो बताइए, जो प्लास्टिक बैग्स है वो आपको कहीं पे भी थ्रो हुए मिल जाएंगे, है ना? Yes. तो क्या वो सॉइल में इजिली डिकम्पोज हो पाते हैं? No, ma'am. नहीं हो पाते. इसी वजह से क्या होता है कि हम ये बोलते हैं जो सॉइल पॉल्यूशन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है, हमारा एनवायरनमेंट काफी ज्यादा पॉल्यूट हो रहा है. इसका जो रीजन है वो यही है, प्लास्टिक. क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये इजिली मार्केट सॉरी इजिली एनवायरनमेंट में डिकम्पोज नहीं हो पाती है. नहीं होता है. प्लास्टिक आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली. अब प्लास्टिक एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है बिकॉज ऑन बर्निंग दे प्रोड्यूस पॉइजनस गैसेस दैट कॉज एयर पॉल्यूशन. अगर हम क्या करें, प्लास्टिक को बर्न करेंगे तो क्या होगा, इनमें से पॉइजनस गैस रिलीज होगी. और जो पॉइजनस गैस रिलीज होती है तो वो क्या करती है, मैम एयर में डिसॉल्व होकर हमें नुकसान पहुंचाती है वो गैस. राइट हर्षित. तो क्या करती है, एयर पॉल्यूशन को इंक्रीज कर देती है. इफ काउस स्वालो प्लास्टिक अलोंग विद द फूड थ्रोन इन देम, द प्लास्टिक चोक्स देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कैन इवन कॉज देयर डेथ. अब जो काउस है वो क्या करती है, जब आप उनको फूड देते हैं तो क्या होता है, वो फूड के साथ साथ प्लास्टिक को भी सॉलो कर जाते हैं. अब वो जो प्लास्टिक है वो क्या करती है, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को चोक कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी डेथ भी हो सकती है. अब नेक्स्ट है, व्हेन पॉलीबैग्स आर केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर, जब हम पॉलीबैग्स को कभी भी इधर भी थ्रो कर देते हैं, they find their way into open drains and result in clogging. तो वो क्या करते हैं, ड्रेन्स में जाके फंस जाते हैं और फिर क्या कर देते हैं, क्लॉगिंग कर देते हैं. मीन्स उसको जो उसका वे है ड्रेन होने का उसको क्लॉग कर देते हैं. We should behave like responsible citizens and keep our surrounding clean by not throwing wrappers of toffees, chips, other eatable in park and on the roadside. तो हमें क्या बनना चाहिए, हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह जो भी प्लास्टिक पैकेट्स है उनको हमें कभी भी थ्रो नहीं करना चाहिए. Dispose biodegradable and non-biodegradable waste separately. और हमेशा क्या करना चाहिए, जो भी biodegradable products है waste है, जो non-biodegradable waste है उनको हमेशा हमें अलग अलग decompose करना चाहिए. Give paper to the कबाड़ी वाला for recycling. और हमेशा जो भी आपके पेपर्स होते हैं, जो हमारे घर में वेस्ट पेपर्स होते हैं, इनको हमेशा किसको दे देना चाहिए, कबाड़ी वाले को देना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, उनसे पेपर को रिसाइकल करवा सके. जैसे कि आप लोगों के घर में न्यूज़पेपर्स आते हैं, जब काफी टाइम हो जाता है तो आप लोगों की मम्मी उन न्यूज़पेपर को सोल्ड कर देते ना कबाड़ी वाले को. इसीलिए किया जाता है ताकि क्या हो सके, वो जो कबाड़ी वाला है वो आप लोगों के घर से उस पेपर को ले जाए और क्या करे, फैक्ट्रीज में सेल कर दे, जिससे क्या हो सके, जो पेपर है वो दोबारा से रिसाइकल होके उसको हम दोबारा से यूज कर सके हो जाए. द गवर्नमेंट हैज बैंड द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स इन मेनी सिटीज. इसलिए क्या किया है, ताकि जो हम जो पॉल्यूशन हो रहा है प्लास्टिक की वजह से वो कम हो सके, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कई सारे सिटीज में प्लास्टिक को बैन कर दिया है. अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक, यूज जूट और कॉटन बैग्स एज फार एज पॉसिबल. तो ये हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम क्या करें, प्लास्टिक बैग्स का कम से कम यूज करें, उसकी जगह हम किसका यूज करें,
कॉटन बैग्स या पेपर बैग्स का, जूट बैग्स का यूज करें। टोट बैग बेस्ट। आई एम सॉरी हर्षित, आई कांट हियर योर वॉइस। मैम अवाई हेलो। हाँ यस सर। हाँ यस हर्षित बोलिए। मैम क्लॉथ बैग सबसे बेस्ट हैं, हैंडमेड। राइट, दे आर आल्सो नोन एज कॉटन बैग्स। रिसाइकलिंग प्लास्टिक वेस्ट, और हमेशा हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल कर देना चाहिए। फॉलो द 4R प्रिंसिपल, और हमेशा क्या करना चाहिए, जो हमारे 4R प्रिंसिपल्स हैं उनको हमेशा फॉलो करना चाहिए। और हमारे 4R प्रिंसिपल्स कौन से हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। ये क्या है, हमारे 4R प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो बताइए सबको, जो इसके की पॉइंट्स थे सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग इसकी जो प्रैक्टिस शीट 1 है इसको फिल करिएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके। यस मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।